जौनपुर में रेस्टोरेंट संचालक के बेटे आकाश ने पॉलिटेक्निक से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की और एक रोबोट बनाया। रोबोट ग्राहकों के ऑर्डर को एक वेटर की तरह परोसता है। अब उसके रेस्टोरेंट की पहचान रोबोट वाले रेस्टोरेंट के तौर पर हो रही है। सीतापुर में एमएलसी पवन सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य के रामायण वाले बयान पर कहा कि जिसने रामायण को न समझा उसने जिंदगी भी नहीं जीना सीखा। अगर आप संपूर्ण रामायण पढ़ते हैं तो आप मर्यादित और संयमित जिंदगी जीने का तरीका सीख पाएंगे। बदायूं के मयाऊं ब्लॉक में केयरटेकर एक महिला आत्मदाह करने वीडियो ऑफिस पहुंच गए, जिसके बाद हड़कंप मच गया। कर्मचारियों ने महिला को रोका, साथ ही अधिकारियों को सूचना दी। बता दें कि महिला को पिछले 21 महीनों से वेतन नहीं मिला था। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर बिहार में एनआईए की रेड हुई है। बिहार और झारखंड की एनआईए की टीम ने मोतिहारी में दबिश दी। इस छापेमारी में एनआईए ने 8 लोगों को हिरासत में लिया और पूछताछ कर रही है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के काफिले के लिए नई गाड़ियां खरीदी गई है। इस गाड़ियों में लिखे नंबर प्लेट और गाड़ियों की खासियत राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि इसके नंबर प्लेट काफी खास है। कासगंज के अम्मापुर क्षेत्र में भूगापुरा के जंगल के पास चेकिंग के दौरान पुलिस मुठभेड़ में 15,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हो गया। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई और वो गिर गया। वहीं दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। अलीगढ़ थाना कुवारसी क्षेत्र में 70 साल की बुजुर्ग महिला को उसके पति द्वारा 3 तलाक देने का मामला सामने आया है। महिला का कहना है कि उसकी कांग्रेस नेत्री बेटी ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट भी की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। महिला का आरोप है कि पुलिस ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। मायावती के एससी एसटी को लेकर किए सवाल पर रामगोपाल यादव भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता है इधर का हो या उधर का। साथ ही इस दौरान उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर भी हमला बोला और कहा कि उनकी पार्टी के लोग उनकी नहीं सुनते, उन्हें गाली देते हैं। अमरोहा में तेज रफ्तार ट्रैक्टर और कार में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में एक की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये पूरा मामला गजरौला थाना क्षेत्र के बिजनौर मार्ग का है। यूपी के बुलंदशहर में पिता के जेल में होने के कारण बेटियों की शादी नहीं हो रही थी, जिसके बाद परिवार के लोगों ने जेल मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पिता को छुड़वाने की गुहार लगाई। जेल मंत्री से मुलाकात के बाद पिता को बेटियों की शादी के लिए जेल से रिहा कर दिया गया। हमीरपुर में 2 भाइयों पर दबंगों ने हथौड़े से हमला कर दिया। हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराई है। साथ ही पुलिस ने दबंगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच की बात की है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच शुक्रवार की देर रात मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया तो वहीं दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। जालौन में जिला अदालत ने 5 लोगों के खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है, जिसमें पूर्व पालिका अध्यक्ष DIOS समेत 5 लोग शामिल है, जिन पर नगर पालिका इंटर कॉलेज के कार्यकालय से दस्तावेज लूटने का आरोप लगा है। देहरादून में एक कुत्ते की मौत के मामले में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। मामला बीती 27 जनवरी का है। देहरादून में ISPT परिसर के भीतर एक सफेद रंग के कुत्ते की बेरहमी से हत्या कर दी गई। कांग्रेस प्रदेश महासचिव राजेश रस्तोगी ने उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के बयान की निंदा करते हुए कहा कि मंत्री गणेश जोशी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की शहादत का नहीं बल्कि पूरे भारत का अपमान किया है।
केंद्रीय बजट की खूबियों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने सभी प्रदेशों में वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी तय की है। इसी के तहत उत्तराखंड में कल बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद देहरादून पहुंचे। उत्तराखंड के मंत्री गणेश जोशी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या को शहादत नहीं बल्कि दुर्घटना करार दिया। उनके इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी मुखर हो गई, साथ ही प्रदेश भर में उनके पुतले भी दहन किए जा रहे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ग्यारसन के भरांडीसन पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार पर ग्यारसन की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए विधानसभा परिसर के बाहर बैठकर एक घंटा मौन उपवास किया। देवभूमि को नशा मुक्त बनाने के लिए उत्तराखंड पुलिस की तरफ से लगातार नशा मुक्ति अभियान चलाए जा रहे हैं। राज्य में पुलिस की तरफ से एंटी नारकोटिक्स टीम बनाई गई है, जो लगातार पूरे प्रदेश भर में एसटीएफ के माध्यम से अभियान चला रही है। पॉर्न स्टार से एक्ट्रेस बनी सनी लियोनी के कार्यक्रम स्थल के पास एक बड़ा धमाका हुआ है। खबरों के अनुसार इम्फाल में एक फैशन शो के दौरान रविवार को सनी लियोनी को हिस्सा लेना था। इस धमाके की जानकारी शो के एक अधिकारी ने शेयर की है। फिल्म पठान की कमाई आसमान छू रही है। फिल्म को रिलीज हुए 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक फैंस अपना प्यार फिल्म के प्रति दिखा रहे हैं। फिल्म ने 10 दिन में भारत में 426 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। पठान की कमाई पर बहुत से लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे ही एक यूजर ने ट्विटर पर शाहरुख खान से पूछा कि फिल्म का रियल कलेक्शन क्या है। इसका जवाब देते हुए शाहरुख ने कहा, 5000 करोड़ प्यार, 3000 करोड़ तारीफें, 3250 करोड़ हग्स, 2 बिलियन मुस्कुराहटे और अभी गिनती चल रही है। तेरा अकाउंटेंट क्या बताता है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर सोहेल खान ने उमरान मलिक को लेकर कहा कि अगर आप 150 प्रति किलोमीटर घंटे की गेंदबाजी करते हैं और सोचते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 12 से 15 खिलाड़ियों का नाम मैं गिना सकता हूं जो इस समय टेप बॉल क्रिकेट खेलते हैं। इमरान की गति को लेकर उन्होंने कहा कि अख्तर का रिकॉर्ड कोई इंसान नहीं तोड़ सकता, उनका रिकॉर्ड बस बॉलिंग मशीन ही तोड़ सकती है।